हेलो, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अगर आपकी भी हालत मेरी तरह है कि आपको भी कोई गिफ्ट नहीं मिला है आपकी कंपनी से, तो प्लीज हाई फाइव देना कमेंट में। जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि हाँ भाई, आपकी भी हालत मेरी तरह, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। ओके, हाँ, मेरे को भी कोई गिफ्ट नहीं मिला आप ही की तरह। तो अभी देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या कारण हो सकता है और कंपनी तुम्हें क्यों नहीं देती है गिफ्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ये थोड़ा सा रिसर्च किया इसको और अपनी कंपनी से बात की, भाई ऐसा क्या है कि क्यों नहीं दे रहे हो गिफ्ट यार, मतलब मिलना चाहिए था यार। मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि मेरी कंपनी कुछ देगी, है ना, कुछ तो देगी यार, एटलीस्ट 500 रुपए की वैल्यू तो दोगी। अगर कुछ नहीं देगी तो मैं इसी में खुश हो जाऊंगा यार। 500 की तो बात दूसरी है, 50 रुपए की चीज नहीं दी उन्होंने। ठीक है, ऐसे ही आपकी कंपनी होगी, आई नो। ओके, तो कुछ कंपनियां देती है यार बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देती है। ठीक है, मेरे दोस्त की कंपनी ऑलमोस्ट उसको 9000 रुपए के हेडफोन्स वगैरह ये सब सारी चीजें दी है। अभी देखते हैं कि क्या क्या सिनेरियोज है, समझते हैं ये कंपनी क्यों नहीं गिफ्ट देती है। MNC से लेके सारे प्रोडक्ट बेस की बात करेंगे कि क्यों नहीं कंपनियां गिफ्ट देती है। ठीक है, सो सबसे पहली बात देखो, लेट्स अंडरस्टैंड, जब भी आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, आपने लेट्स सपोज कोई भी कंपनी ज्वाइन की है ना, तो ये मेरे केस में हुआ, ये मैंने थोड़ी बात की ही लोगों से और जब मेरे को पता चला, मैंने ईमेल्स वगैरह चेक किए। आप कभी भी चेक करते हो तो आपके जो 80D वाला सेक्शन होता है, जो टैक्स वाला सेक्शन होता है, इसमें ना कुछ जो आपके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो होते हैं, आप जो सारी चीजें इसमें डिक्लेयर होते हैं, एक बार चेक करना है इस वाले सेक्शन को, 80D को, क्योंकि 80C में क्या होता है, 80C में क्या होता है, हम 1.5 लाख रुपए के करीब, 1.5 लाख के करीब हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब इसमें आप ELSS, ठीक है, और आपकी NPS NPF, वो सारी स्कीम इसमें आ जाती है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे सेव करते हैं। अभी देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, 1.5 लाख आप इसमें बचा सकते हो और बाकी बहुत सारे चीज होते हैं। तो 80D के अंदर क्या करते हैं कि जो भी हमारे गिफ्ट्स एंड ऑल होते हैं या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, कुछ कुछ बेनिफिट्स इसके अंदर आते हैं। तो फर्स्ट क्या करते हैं, आपकी कंपनी, लेट सपोज आपकी कोई कंपनी है XYZ, ठीक है, इस कंपनी का अपना दो तरीके की NPF होते हैं। एक तो होती है पर्सनल, लाइक जो गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम फंड होता है ना NPS, उसमें कि पेंशन जो गवर्नमेंट वाली होती है, वो एक गवर्नमेंट वाली होती है, एक होती है प्राइवेट वाली। ठीक है, अब देखो इसमें घाटा क्या है, ये प्राइवेट वाली में ये कि लोग क्या करते हैं, इनकी खुद की फंड होती है, इसी में आपकी ये पेंशन डालता है, मतलब आपका जो 1800 रुपए कट रहे होंगे, 1200 रुपए कट रहे होंगे, इसमें डालते हैं। और एक ये जो गवर्नमेंट वाली होती है, आप इसको डायरेक्टली दूसरे अकाउंट में, जब भी कोई लाइक XYZ से आपने कोई भी लाइक कंपनी ज्वाइन की, लाइक मैं कहता हूँ आपने हॉटस्टार ज्वाइन की, ठीक है, तो आप इसमें ये डायरेक्टली ट्रांसफर करवा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अलग से अप्रूवल लेना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, तब ये दूसरे अकाउंट में जाकर ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये तो पेंशन की बात है, मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ इसका अभी समझ में आ जाएगा। देखो अब क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपके 80D में कुछ लिख रहा होगा कि आपके जो भी बोनसेस होंगे, लाइक दिवाली का हुआ है ना, जो भी दिवाली का बोनस हुआ, आपका होली का हुआ, वैसे मिलते हैं नहीं मिलते आई डोंट नो, कि होली का हुआ, कोई भी लाइक क्रिसमस का हुआ, वो ना हम क्या करेंगे कि NGO होते हैं इनके, जैसे आप देखो जिसकी ना प्राइवेट ऐसे कोई भी फंड मशीन होगी या फिर एजेंसी होगी, उनकी अपनी खुद का ऐसा होगा ना टाइप ऑफ पेंशन वाले का, जैसे सेपियन में भी खुद का था और एयरटेल के पास खुद का नहीं है, ये गवर्नमेंट को देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि NGO में दान कर देते हैं। तो एयरटेल में क्या है, भारतीय ग्रुप का ना NGO है, तो वो क्या करते हैं कि 80D के अंदर जितने भी आपके जो स्पेशल गिफ्ट एंड ऑल होंगे, वो गरीब बच्चों को, अनाथ को, या फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिन, है ना, जो रहते हैं वैसे जिनके घर वाले नहीं रखते हैं उनको, तो अच्छी बात है, देखो हमारा पैसा ऐसी जगह पे जा रहा है। लेकिन इसके लिए वो आपको बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम ऐसी जगह पे दे देते हैं पैसे। ओके, तो इस अब देखो यहाँ तक जा रहा है तुम्हारा NGO पैसा जा रहा है, इट्स गुड, है ना। लेकिन इसके लिए तुम पूछ भी सकते हो कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ गया है, वो कंपनी से आप पूछ सकते हो, आपको बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आपको एक मेल आएगा, जब भी दिवाली वाली से मेरे को एक मेल आया, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा होता है कि 80D के अंदर जो आपके बेनिफिट्स हैं और जो आपके गिफ्ट्स हैं, हमने एक NGO को दे दिए हैं। ठीक है, अब इनके खुद के NGO होते हैं, ये जाने इनकी माया जाने। अब दूसरी चीज क्या, देखो अब जैसे ये तो एक प्रोडक्ट बेस वगैरह की बात हुई, सेपियन की बात हुई, मेरी कंपनी की बात हुई, या किसी और कंपनी का ये झमेला होगा। अब बात आ जाती है TCS और CTS, ये जितनी भी बिग टेक कंपनी है। देखो अब ये कंपनी के हिसाब से टेक महिंद्रा ने क्या दे दिया, जैसे 20 रुपए की चीज दी थी कि एक दे दी भाई, एक स्ट्रॉ वाली जो मैंगो फ्रूटी होती है वो दे दी, और एक कुछ बिस्किट वगैरह दे दिया था, तो टोटल वो 20 रुपए की चीज थी। लेकिन अगर कंपनी का मैं 500 रुपए का बजट भी मान लूं, तो यार आपको पता है कि लगभग लगभग लैक्स में इनके एम्प्लॉयज हैं, है ना,
तो अगर ये 500 रुपए का या 1000 रुपए का भी आपको चीज देंगे, ये तो पहला पॉइंट है, ये पहला हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर इसको आप मल्टीप्लाई भी कर दें कि टोटल वैल्यू से, तो यार इनको ना बिलियंस का नुकसान होगा। अब ये आपको लगता है इतना कैपिटल आपके ऊपर सर्च मतलब खर्च करना है ना, और इतना कैपिटल आपके ऊपर खर्च करना अननेसेसरी इन कंपनी के लिए गुड डिसीजन होगा? मुझे तो नहीं लगता यार, क्योंकि इतना ये कमा रहे होंगे उतना इनका रेवेन्यू डाउन हो जाएगा यार, क्योंकि इतना बिलियंस में खर्च करना इतने लोगों के ऊपर, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी इनका यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में या बहुत सारी जगह पे, कनाडा में, इंडिया में है ना, इंडिया में बहुत सारे मतलब लैक्स में है यार इनके एम्प्लॉय। तो अगर 1000-1000 रुपए भी खर्च करेंगे एक बंदे के ऊपर, तब भी बिलियंस में इनका ये सारा कैपिटल जाएगा, तो इस वजह से ये क्या करते हैं कि नहीं देते। अब दूसरी चीज पे आ जाओ कि यहाँ पे क्या होता है कि तीसरी में कि जब भी देखो अगर आपकी शादी वादी होगी या कुछ भी चीज होगा, आपको लोग गिफ्ट देते हैं, तो टैक्स के हिसाब से 50,000 के नीचे की गिफ्ट आप अपनी शादी में विदाउट टैक्स ले सकते हो, मतलब उन पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। शादी के गिफ्ट में जनरली आपको टैक्स नहीं देना, बट रूल ये होता है कि 50,000 रुपए के नीचे की गिफ्ट जो भी होता है आपको टैक्स में नहीं इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे ऊपर के कुछ देते हो, गिफ्ट देते हो, तो आपको इनके ऊपर टैक्स देना होता है यार। सीधी सीधी बात है कि गवर्नमेंट आपको सीधे सीधे लूटने के लिए घूमती है। अगर आप 15% के ऊपर से जाते हो तो डेफिनेटली बात है आप 2 महीने गवर्नमेंट के लिए काम करते हो और 10 महीने अपने लिए काम करते हो, आपकी 2 महीने की सैलरी होगी, आप सीधे गवर्नमेंट के खाते में जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे को लगता है इशू, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब इसका 50,000 से नीचे के कोई गिफ्ट दे रहा है तो ठीक है जाते हैं, लेकिन अगर कंपनी है कोई भी, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि कोई ए कंपनी है ना, कोई ए कंपनी अगर आपको गिफ्ट दे रही है, ओके, तो कंपनी अगर 1000-1000 रुपए के हिसाब से भी गिफ्ट दे रही है अपने एम्प्लॉयज को, तो कितने एम्प्लॉयज हैं? टोटल लैक्स में एम्प्लॉयज है। कंपनी के को जितना पूरा एक बंदे के हिसाब से नहीं दिखाना होता कि मैं 1000 रुपए दे रहा हूँ ना, कितने के गिफ्ट आप पूरे कंपनी में एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो लैक्स के हिसाब से कितने एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट हुए सारे गिफ्ट? बहुत सारे। तो जैसे ही ये वैल्यू 50,000 से 50K से ऊपर जाती है, कंपनी को, जो ए कंपनी थी, उसको गवर्नमेंट को शो करना पड़ता है कि भाई ना मैं दे रहा हूँ, मतलब जो गिफ्ट है मैं 50,000 से ऊपर दे रहा हूँ, और ये जो होते हैं वो टैक्स एक्सटेंशन नहीं होते हैं, इनके ऊपर तुम्हें टैक्स देना पड़ता है। अब एक बात यार, एक कंपनी तुम्हें बिलियंस ऑफ अमाउंट आपके ऊपर लगा रही है, ऊपर से फिर गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रही है, नॉर्मली भी वो टैक्स दे रहे हैं, तो कहाँ से उनको पैसा बचेगा, है ना, वो सारा सब कुछ तो इसी में चला जाएगा, तो इसी वजह से वो टैक्स बिल्कुल गिफ्ट के ऊपर सोचते ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जो टैक्स महिंद्रा ने जो 20 रुपए की भी चीज दी है ना, जो 20 रुपए की चीज दी है, ऊपर में जो मैंने डिस्कस किया था कि 20 रुपए का ये दिया है, इसमें भी मैं सोच रहा हूँ बहुत अच्छा काम किया उन्होंने ये देखे, मतलब यार 20 रुपए के हिसाब से भी ना बहुत ज्यादा, टैक्स महिंद्रा है कितने एम्प्लॉयज है, वो खुद एक एमएनसी है, तो 20 रुपए के हिसाब से भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है कि यार मैं एम्प्लॉयज के ऊपर खर्च कर रहा हूँ। इसी वजह से सारी कंपनियां ना तो 20 रुपए का ना 10 रुपए का कोई भी गिफ्ट देने में बिलीव नहीं रखती कि भाई ना तो हम 20 रुपए का गिफ्ट देंगे ना हम 10 रुपए का गिफ्ट देंगे। अब देखो लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर इसको क्लोज कर दें कि फोर्थ है ना। अब देखो अगर क्या है, दिवाली है ना, दिवाली है, लेट सपोज ये पहला फेस्टिवल हो गया जिसपे आप गिफ्ट मांग रहे हो, और ये किसका होता है कि जो हम हिंदू लोग होते हैं उनका होता है। अब लेट सपोज कि 25 को क्रिसमस आया है ना, अब ये तो पहला फेस्टिवल आया, दूसरा मेरा क्रिसमस आया, तीसरा मेरा भाई किसी और का लाइक ईद आई है ना, लाइक तीसरा मेरा ईद आई, और फिर इसमें से कुछ जो जो कि कम्युनिटी जैन लोग होते हैं उनका मुझे पता नहीं, कोई उनका भी कोई फेस्टिवल होता होगा है ना। तो अब ऑब्वियसली एक कंपनी में भाई हिंदू लोग भी काम करते हैं भाई, फिर क्रिश्चियन लोग भी काम करते हैं, मुस्लिम लोग भी काम करते हैं, कहीं जो जैन लोग होते हैं, सिख लोग होते हैं, फिर लाइक पंजाबियों का कोई फेस्टिवल होगा। इसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि दिवाली के दिन अगर कंपनी लाइक 100-100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और फिर मैं 100 का वैल्यू लेके चल रहा हूँ, 1000 का तो छोड़ो, इसके ऊपर भी 100-100 करेगी, इनके ऊपर भी 100-100 करेगी, इनके ऊपर तो 100-100 करेगी, तो अगर सबके ऊपर 100-100 करने लग गए यहाँ से भी, तो आप क्या करते हो? अगर दिवाली पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बाकी के एम्प्लॉई जो यहाँ पे बैठे हैं वो ये नहीं कहेंगे कि यार हमें नहीं दे रहे हो ये चीजें, हमें नहीं दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो, हम क्या आपकी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है? ये वाली बात जरूर होगी कि सबके ऊपर अगर मैं 100-100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो। इस वजह से ये बहुत ही बेकार डिसीजन होता है उनके लिए जो एमएनसी होती है, समझे, कि अगर 100-100 भी अगर मैं दूंगा तो मेरे भाई करोड़ों रुपए चले जाएंगे, मैं सीआर में बात करूंगा,
इस वजह से ये कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है कोई भी गिफ्ट और कुछ भी, क्योंकि आपकी सैलरी दे रहे हैं। हाँ, ये गलत बात है थोड़ी सी, बट ठीक है यार, मतलब एक कैपिटल के हिसाब से तो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हम इसी में संतुष्ट हैं कि हमारी कंपनी ने एटीडी में हमें, ये तो मेरे को पहली बार पता चला कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, तो अगर आप भी मेरी तरह हो तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपके भी इतने ही व्यूज है, आपको भी कुछ नहीं मिला है, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, अपना दुख दर्द बता सकते हो आप उधर। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।